थैंक यू सो क्या मच, कुछ कहना चाहोगे थैंक यू। आपकी जर्नी को लेके? इतनी सारी बातें हुई आपकी जर्नी में, शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। यार जर्नी मेरी हमारे साथ थे तो हमारे साथ, वो आ गई है तो उसके साथ, वो चली गई है तो हमारे साथ, मतलब क्या है ये, थोड़ा सा वैसी वाली फीलिंग आई थी। और ये जो सिस्टम हिल जाता है, मैंने बाहर भी आपको एक सवाल पूछा था क्या सिस्टम हिल गया क्या, तो ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के आने से, और मुझे ऐसा लगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री आए और सीधा मार्क आपको ही कर रहे, टारगेट हम जिससे कहते हैं टारगेट आपको कर रहे, आपको नहीं लगा कि वो आते हैं सिर्फ टारगेट आपको ही कर रहे थे जो शुरुआत के 3-4 दिन के, जब भारती भारती जी भी आए थे घर पे, उसके 2 दिन पहले से मैं बात कर रहा हूँ उनके, वो वीकेंड फिर मंडे ट्यूजडे ये जो हफ्ता था 4-5 दिन का, उन्होंने सिर्फ आपको टारगेट किया, ऐसा नहीं लगा आपको? बिल्कुल लगा। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे कह रहे हैं कि यार मैंने बाहर देखा और मैंने उनसे पूछा कि सबसे वीक कंटेस्टेंट कौन है, उन्होंने बताया तुम, तो मैंने तुमको रोस्ट कर दिया। अगर मैं वीक कंटेस्टेंट हूँ, अगर मैं शो में कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो आप घर में घुसते ही मुझे क्यों पॉइंट्स दे रहे हो? राइट, करेक्ट। आपको प्रीफिक्स अगर माइंड से आए हो कि मैं अंदर घर में जाते ही इस बंदे के साथ पंगे लूंगा, तो आप वीक इंसान को तो टारगेट नहीं करोगे ना, जो दिख ही नहीं रहा, जो कुछ कर ही नहीं रहा। आप किसको टारगेट करोगे? जो स्ट्रांग दिख रहा है। कि मेरे को यार इसका सिस्टम हिलाना है, करेक्ट उनकी लैंग्वेज में। तो मैंने तो बहुत पॉजिटिवली लिया, मेरे को उल्टा अच्छा लग रहा था कि अच्छा देखो मैं स्ट्रांग लग रहा हूँ, आ लड़ जो करना है कर। बट कई हद तक उनके आने के बाद अभिषेक के गेम में भी काफी सारे बदलाव आए इन टर्म्स ऑफ टास्क को लेके, बातचीत को लेके, वो काफी क्लोज थे। मुझे याद है कि वो घर के अंदर एंटर हुए थे, फिर पूजा मैम आई, सडनली उन्होंने पूछा ये कौन है, तो आपने बोला शी इज पूजा भट्ट, तो उनको नहीं पता था, तो उधर थोड़ा आपकी नोकझोंक हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर नोकझोंक हुई, फिर एक टर्म था दोस्ती हुई, फिर वेलवेश आया तो थोड़ी दोस्ती में थोड़ी सी दूर हुई, आप उस पर क्या कहना चाहोगे? यार अभिषेक के साथ ना मैंने कोशिश बहुत की, बट उसके साथ मैं एकदम वैसा कनेक्ट नहीं कर पाया कि जैसे मैं किसी दोस्त के साथ या मैं जिसके आराम से बैठ के बातें करूं घंटों तक। उसकी बातें और मेरी बातें 10-15 मिनट टिक पाती थी, उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आता। वो और एलविश भी बैठते थे, मैं कभी जाके बैठता भी था वहां, तो मैं 10-15 मिनट में बोर हो जाता था। मेरे को नहीं समझ में आता था यार, उनके टॉपिक्स ही मेरे को समझ में नहीं आते, उनकी बातें ही मेरे को समझ में नहीं आती। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब 26 साल का था तब भी वैसी बातें नहीं करता था, तो मैं अभी तो 36 का हूं ना, 36 36 36 36, तो अभी कहां से कर लूं। बट यू लुक वेरी यंग टू बी वेरी, थैंक यू सो मच। टेल अस समथिंग, वो जो पानी का था उस पे इतने रील, इतने वीडियोस बने सोशल मीडिया पे, जो पाउडर डाला था जिया ने, हाँ वो एल्विश को पिलाया, हैंड वॉश डाल दिया था, हैंड वॉश डाला था, और एल्विश ने बोला कि हमारे वहां धर्म है पानी पिलाना, आप क्या कहना चाहोगे? आपने, आपकी बात हुई थी जिया को कि ये मत करो कि ये करो, मैंने बोला था ना जिया को, मैंने पहले तो उसने बताया तो मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि यार वो फनी चीज थी। अब वो मतलब वो ये नहीं सोच पा रही है कि मुझे हैंड वॉश नहीं डालना चाहिए था। एक नॉर्मल कॉमन सेंस होता है ना कि अगर पानी में कुछ डालना है और आप चाहते हो कि वो सिर्फ उस, क्या रिएक्शन चाहिए, यही रिएक्शन चाहिए ना, नमक भी हो सकता था ना, राइट। तो उसके लिए हैंड वॉश डालने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरे को हंसी आ रही थी जिया की सोच पे कि तू ऐसा सोच कैसे लेती है, इतना इनक्रेडिबल कैसे सोच लेती है, थोड़ा नॉर्मल सोच ले, ज्यादा दिमाग मत लगाओ जो है नहीं। फिर मैंने उसको बोला कि नमक डाल देती ना, नहीं दिखता नमक, आधा चम्मच नमक डालती वो वैसे ही थूक देता, वो खराब भी नहीं होता सिस्टम के लिए, सिस्टम बिगड़ जाता, तो सिस्टम भी ठीक रहता। हाँ, वो पता चला जिया का ही सिस्टम मिल गया। अविनाश, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, जो एक बात मुझे आपकी पूरी जर्नी में लगी, एक मैच्योर लेवल रहता है ना वो काफी अच्छा, पूजा मैम का मैच्योर लेवल अलग, आपका मैच्योर लेवल अलग, और पलक दी का मैच्योर लेवल अलग। जी, जो एक बात हुई जब आपने बोला आई लाइक यू टू पलक दी, आप अगर कुछ बताना चाहोगे आपकी बातचीत, उन्होंने कहा मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं वेट कर रही हूँ वो आए बाहर, तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली मैंने उससे पूछा था कल जब हम मिले, तो जो भी हमारे सवाल थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब यार, तो बात करने का मौका नहीं मिला, सीधा सडनली घर से बाहर चली गई, तो वो मेरे को एक धक्के की तरह लगा। और कहीं ना कहीं उसी वीकेंड के बाद पे सलमान सर ने उसको टोका था कि तुम ये क्या बोल रही हो अविनाश को, कि गायब हो जाऊंगी, बाहर नहीं मिलूंगी। तो वो ऐसा लग रहा था कि अभी जितना टाइम था हमने बात कर ली, बाकी हम बात रात को करेंगे, जैसे हम रोज रात को बैठते थे बात करने के लिए।